सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, सो आज ब्रांड से रिलेटेड लाइक हम लोग जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हो सकेंगे वो सारे के सारे लाइक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अनअकैडमी में लाइव पढ़ाती हूँ, मैं अनअकैडमी में जो है प्लस कोर्सेज। ओके, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। सो गाइस, एक्चुअली ड्यू टू टेक्निकल इशू मैंने अभी लाइक सेशन स्टार्ट करने की ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी एंड मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली बंद हो गया। आज सुबह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो फिर मैंने दोबारा ट्राई करा एंड उसके बीच में ये 10 मिनट्स जो हैं हमारे वेस्ट हो चुके। ठीक है, सो जहाँ तक है मैं जल्दी सेशन ऑफकोर्स 10 मिनट्स पहले मुझे एंड भी करना पड़ेगा साथ ही साथ। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लाइक अ क्विक डिस्कशन ऑन ब्रांड मैनेजमेंट बाय सौम्या सिंह। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक ये है। सो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो ताकि हम लोग स्टार्ट करें अपने सेशन के साथ। ओके ना, सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग जानते हैं जैसे कि मैं अनअकैडमी में ऑफकोर्स लाइव पढ़ाती हूँ, मैं प्लस कोर्सेज लेती हूँ वहाँ पे। सो फिलहाल मेरे 3 प्लस कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आप देख सकते हो 3 प्लस कोर्सेज सामने दिए गए हैं। ठीक है, एक है हमारा कंप्लीट कोर्स ऑन जनरल पेपर 1 फॉर नेट GRF 2020, जिसमें मैं लाइक 10 की 10 यूनिट्स जो है कवर अप करा रही हूँ। अभी हमारा DI का पार्ट चल रहा है। ठीक है, सो गाइज अभी स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिकल पोर्शन करा रही हूँ, सो प्लीज जस्ट गो फॉर सब्सक्रिप्शन, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कंप्लीट कोर्स ऑन मैनेजमेंट फॉर नेट GRF 2020। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरा मैनेजमेंट का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। लाइक इसमें मैं 7 यूनिट्स जो है वो आपकी मैनेजमेंट की कवर अप कराऊंगी। देन है हमारा बैच कोर्स फॉर मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग जो बाकी की 7 यूनिट्स क्योंकि यहाँ है सेकेंड कोर्स में, तो बाकी की यूनिट जो है वो हम लोग थर्ड कोर्स में करेंगे। ठीक है, सो इसमें लाइक जो बैच कोर्स है इसमें 3 यूनिट्स मैं करा रही हूँ, 3 यूनिट्स प्रीति मैम करा रही, 4 यूनिट्स आशिमा मैम करा रही। ओके ना, इसके अलावा लेकिन इस प्लस कोर्स का एक्सेस आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब सेशन, हमारे स्पेशल क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन ये हमारा पेड वर्जन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, लाइव फॉर्मेट में होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है एंड लेसन्स जो है वो हमारे टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे वीकली क्विजेस होते हैं, हमारे हर 4 सेशन हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। ओके, सो काफ़ी सारा लाइक मैटर अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पे, बस आपको उसका फ़ायदा उठाना है। ओके, सो अभी मैं बात कर रही हूँ अपने रेफरल कोड की, जैसे कि यहाँ पे है सौम्या सिंह -5273। गाइस आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो 10% तक का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। ठीक है, लाइक क्योंकि ये रेफरल कोड यूज़ करके मतलब आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है मेरा 10% का डिस्काउंट जो है क्रेडिट पॉइंट्स के थ्रू भी अवेल कर सकते हो, लाइक टोटल आपको 20% का डिस्काउंट लाइक ओवरऑल मिल जाएगा। ठीक है, सो जस्ट गो फॉर इट, प्लीज नोट इट डाउन, सौम्या सिंह -5273। ठीक है, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांड मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, एंड ब्रांड मैनेजमेंट इस पार्ट से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, लाइक अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन आने की मतलब काफी हद तक जो है पॉसिबिलिटी होती है। एंड ज्यादातर यहाँ पे लाइक जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो लाइक हमारे हो गए हम लोग बोल सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे या तो ब्रांड की कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से आते हैं। लाइक अभी मैं ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी ना, तो अब देखना मैं कितने सारे टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगी ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक है, एंड कुछ मॉडल्स भी होते हैं, लाइक ब्रांड इक्विटी मॉडल होता है। ठीक है, सो कुछ मॉडल्स भी हैं, उनसे क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी होती है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, काफी इजी है, बस समझना होता है आपको चीजों को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रांड मैनेजमेंट। ओके, सो जितने भी लोग हैं गाइस, आप लोग प्लीज कम्युनिकेशन जो है साथ में बनाए रखना ताकि हम लोग क्लास को और इंटरेक्टिव बना सके। सो गाइस, व्हाट इज ब्रांड, जब ब्रांड की हम लोग बात करते हैं, ब्रांड नेम, जैसे आप अनअकैडमी का ही बात हम लोग करते हैं, अनअकैडमी का एग्जांपल ही लेते हैं जब हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसका रियल नेम का जो कंपनी का नाम बोले तो वो क्या है, वो है सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसकी कंपनी का नाम ये है, ये कंपनी नेम है,
लेकिन इन्होंने ब्रांडिंग अपनी किस नाम से कर रखी है, अन अकेडमी के नाम से, ठीक है, ये इनका ब्रांड नेम है, राइट। तो समझे आप लोग ब्रांड मैनेजमेंट, ये ब्रांड का क्या इंपॉर्टेंस होता है। लाइक अगर इसकी कंपनी का नाम मान लो सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज है एंड यही इसी नाम से ये खुद को प्रमोट कर रहे होते तो कितने लोग अट्रैक्ट होते इसकी तरफ, बहुत ही कम, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसीलिए जो है ब्रांड एक बनाया जाता है अंदर, ठीक है, विच इज अन अकेडमी। अब अन अकेडमी जब आप नाम सुनोगे ना, सिर्फ नाम से ही आप अट्रैक्ट होगे, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, सिर्फ नाम से ही आप अट्रैक्ट हो सकते हो इजिली, ठीक है। नाउ लाइक बात हम लोग करते हैं, हम लोग ओके सो अब हम लोग बात करते हैं लाइक एक और एग्जांपल की, जैसे कि नेस्ले। नेस्ले क्या है, नेस्ले कंपनी है, ठीक है, जो कि कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है लाइक मैगी। तो इनकी ब्रांडिंग किस नाम से कर रहे हैं, मैगी के नाम से, ठीक है। ब्रांड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लाइक किसी भी चीज की ब्रांडिंग जो है उसकी क्वालिटी को डिफाइन करती है, ठीक है। लाइक अगर ब्रांड होगा, लाइक जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कपड़ों की ही, ठीक है, ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं उनकी तरफ आपका एक मतलब आप उसके ऊपर रिलायबिलिटी जो है उसकी ज्यादा होती है ना, आप ट्रस्ट कर सकते हो क्वालिटी के मामले में, राइट। भले ही वो आपसे थोड़ा पैसा ज्यादा ले रहे होंगे एज कम्पेयर टू लोकल वंस, लेकिन वो आपको क्वालिटी भी दे रहे होंगे, ठीक है। सो ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट आज का हमारा ऑफकोर्स टॉपिक है, लेकिन ये हमें तभी समझ में आएगा जब जो ये वर्ड ब्रांड है, जिसको मैं तब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज होगी, दैट इज ब्रांड, ठीक है। सो ब्रांड का मतलब क्या है, लाइक इट इंक्लूड्स डेवलपिंग अ प्रॉमिस, मेकिंग दैट प्रॉमिस एंड मेंटेनिंग इट। मतलब अगर आपका ब्रांड है, मान लो हम लोग यहाँ पे ब्रांड एडिडास की बात करते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एक तो ये एक अपना प्रॉमिस डेवलप कर रहा है, ठीक है, क्या ये अपनी फील्ड में लाइक ये स्पोर्टी आइटम्स बनाते हैं तो इसमें ये माहिर है, ठीक है। देन ये एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई हम आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो बाकी ब्रांड के अब ना प्रोवाइड कर पाए, हम ऐसा एक डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो एडिडास में क्या है, आप ब्रांड को डिफाइन कर रहे हो, उन्होंने करा, फिर पोजिशन करा अपने ब्रांड को, और फिर उसको डिलीवर मतलब प्रॉमिस किया एंड फिर उसको डिलीवर भी किया, ये मेक श्योर करना अगर आपको ब्रांड इमेज जो है अच्छी बना के चलनी है। आप सामने वाले से जो प्रॉमिस कर रहे हो, जो उसको बोल रहे हो प्रोवाइड करने के लिए, वो आपको आप उसको प्रोवाइड भी कराओ एंड साथ ही साथ उसको मेंटेन भी करके रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक बार टी शर्ट ले गया, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की दे दी, दूसरी बार टी शर्ट ले गया तो आपने क्वालिटी में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। ब्रांड है तो ऑफकोर्स आपको अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आपकी ब्रांड इमेज उस हिसाब से डेवलप होगी, ओके। चलो, इट मीन्स डिफाइनिंग द ब्रांड, पोजिशनिंग द ब्रांड, डिलीवरिंग द ब्रांड, ओके। नाउ ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग द ब्रांड, ठीक है, जहां पे हम एक ब्रांड को क्रिएट कर रहे हैं एंड उसको लंबे समय तक जो है उसकी पोजिशन एकदम होल्ड करके रख सस्टेन कर रखे रहे करके रख रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ब्रांड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, ओके। सो ब्रांडिंग अगर आप किसी चीज की कर रहे हो ऑफ कोर्स, तो कस्टमर्स जो हैं वो आपके बिजनेस की तरफ कमिटेड होते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर आपका एक ब्रांड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल अलग खड़ा करता है, बिल्कुल अलग रखता है, ठीक है। इट गिव्स अ क्वालिटी इमेज टू योर बिजनेस, आपके बिजनेस को एक क्वालिटी इमेज जो है वो मिलती है ब्रांड के थ्रू, यही तो मिलती है, यही तो मैंने बात करी अभी। जैसे एडिडास एक ब्रांड है तो क्या है, एक दिमाग में वही तो है, एडिडास, प्यूमा हो गया हमारा, रीबॉक हो गया, तो ये क्या है, इनका क्वालिटी ही तो है जो हमारे क्वालिटी इमेज ही तो है हमारे दिमाग पे, ठीक है। तो ब्रांड मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग टैंजिबल चीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन इनटैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी उतना ही ध्यान देते हैं। लाइक अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें, तो सबसे पहले आपका लाइक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस, पैकेजिंग, खुद ब खुद लाइक प्रोडक्ट, ये सब बढ़िया होना चाहिए। देन इनटैंजिबल की बात करें, तो इसमें लाइक सर्विसेज आती है। अब सर्विसेज ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ सर्विस सेक्टर्स में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और भी सेक्टर्स में आप प्रोवाइड करते हो, राइट। तो जितने भी लाइक सर्विस ब्रांड है, मतलब लाइक जैसे कि हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा, आप स्टोर में गए, आपको वहाँ का जितना भी स्टाफ है वो कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको हाथों हाथ ले रहा है या नहीं ले रहा है, आपके सवालों को जवाब दे पा रहा है, मतलब आपका ओवरऑल लाइक स्टोर एक्सपीरियंस कैसा रहता है। देन अगर किसी प्रोडक्ट में मान लो अगर कोई डिफेक्ट निकल जाता है, या फिर कोई भी चेंज करना है, एक्सचेंज करना है,
तो आप कितना लाइक चीजों को कैसे लेते हो, ठीक है, तो ये सब सर्विसेज में आता है, तो आपको ये सब मेंटेन करके चलना है, क्योंकि जो इनटैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक सर्विसेज होती है, वो एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है, ठीक है, लोगों का प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स की, जैसे जो बहुत मान लो आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में किसी में गए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है लाइक वहां पे जो आपकी क्वालिटी होगी ना, फूड का टेस्ट भले ही उतना अच्छा ना हो, एक बार को मैं बोल सकती हूँ चलो ठीक है नहीं अच्छा, ऐसा नहीं कि होता नहीं अच्छा, मान लेते कि नहीं अच्छा होता है, तो क्या है, लेकिन वहां पे वो सर्विस इतनी अच्छी प्रोवाइड करते, या फिर वो वहां पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करते कि अपने आप आपका उनके साथ कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको ध्यान देना, आपको इनटैंजिबल पे भी ध्यान देना है, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ब्रांड के मैनेजमेंट में। ओके नाउ ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग इज असेंबलिंग अ वेरियस मार्केटिंग मिक्स मीडियम इनटू अ होल सो एज टू गिव यू एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ब्रांडिंग हमें क्या देता है, एक आइडेंटिटी देता है, जैसे कि अन अकेडमी को जो है एक आइडेंटिटी मिली, राइट, है ना। चलो हम लोग आज ना पूरा ब्रांड को अन अकेडमी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अगर अभी तक भी अन अकेडमी का ऐप जाके डाउनलोड नहीं किया होगा ना, तो आप इस सेशन के बाद डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इट इज नथिंग बट कैप्चरिंग योर कस्टमर्स विद योर ब्रांड नेम। ऑफ कोर्स आप कस्टमर्स को अपने ब्रांड नेम के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ब्रांडिंग से क्या होता है, लाइक ब्रांडिंग से आप ब्रांड मैसेज जो है वो एक कन्वे करते हो कस्टमर्स तक, कस्टमर लॉयल्टी जो है वो आप जनरेट करते हो, ठीक है। देन आप बायर को जो है परसुएट करते हो प्रोडक्ट के लिए, एंड स्टैब्लिश आप लाइक एक इमोशनल कनेक्टिविटी जो है वो कस्टमर्स के साथ आप स्टैब्लिश करते हो। ओके नाउ अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड, ब्रांड ये है क्या, लाइक टू अ कंज्यूमर ब्रांड मीन्स एंड सिग्निफाइज एक कंज्यूम, अ ब्रांड जो है वो क्या होता है, लाइक इसको हम लोग एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, कंज्यूमर एंड सेलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम लोग ये चीज, लाइक सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का क्या सोर्स है, देन डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट, ऑफकोर्स जो हमारा मैन्युफैक्चरर है हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, हमारा रिस्क कम हो जाता है, हमें पता है ठीक है हम ब्रांडेड आइटम खरीद रहे हैं तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिल रहा होगा, देन हमें इनके बारे में ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, खोजना नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बारे में जनरली सबको पता होता है, तो सर्च कॉस्ट कम है, ठीक है। देन क्वालिटी सिंबल, ऑफकोर्स क्वालिटी के लिए अश्योरेंस होता है, देन डील और पैक्ड विद द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, देन सिंबॉलिक डिवाइस, ओके। तो ये सब चीजें लाइक एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांड का ये मतलब होता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट का एक प्रॉपर सोर्स होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर के पास होती है, रिस्क कम होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, सर्च कॉस्ट कम लगती है, ठीक है ना। एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ब्रांड का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, इसमें है बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। एक तो आपको क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है मिल रहा है, ओके। देन वे ऑफ बिस्टोइंग प्रोडक्ट्स विद यूनिक एसोसिएशंस, अब यहाँ पे क्या है लाइक ऑफ कोर्स आप अपने प्रोडक्ट को लाइक यूनिक रखते हो, ठीक है। देन वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू इजी हैंडलिंग, देन वे ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिक ट्रेड्स फीचर्स, साइन ऑफ क्वालिटी टू सेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है, देन मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स, ओके। सो एक क्वालिटी का अश्योरेंस होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, आप फाइनेंशियल रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, लीगल प्रोटेक्शन रहता है क्योंकि कॉपीराइट होती चीज़ पेटेंटेड होती है, इजी हैंडलिंग होती है चीज़ों की, प्रॉपर यूनिक एसोसिएशन होता है एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है, ठीक है। अब ये जितने भी मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स आपके नाम लिए, प्यूमा नाइकी, तो इनको क्या है, ये अपने अपने फील्ड में सबके सब माहिर हैं, ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ही तो है, कहीं फायदा उठा रहे। अब हमारी शुरू होती है एक एक करके टर्मिनोलॉजीज, या फिर आप बोल सकते हो ब्रांड्स के बारे में, ऑफ कोर्स फर्दर डिस्क्रिप्शन। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम सबसे पहले मैंने क्या बोला, ब्रांड नेम क्या है, अन अकेडमी, राइट।
स्पॉटिंग हैट टेक्नोलॉजीज का ब्रांड नेम जो है वो अन अकेडमी है. तो ब्रांड नेम इज वन ऑफ द ब्रांड एलिमेंट. देखिए जो सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज बोली, इसका एक ब्रांड तो हो गया अन अकेडमी. कल को ये चाहे तो एक और ब्रांड खोल सकता है. मान लो अन अकेडमी तो हो गया हमारे कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स के लिए, है ना. कल को चाहिए तो स्कूल लेवल के लिए भी ये एक अलग ही लाइक नाम से अपना ब्रांड चालू कर सकता है. इट्स अप टू देम, राइट. विच हेल्प्स द कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट वन प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर. ऑफकोर्स एक कंपनी में कई सारे ब्रांड नेम्स हो सकते हैं ताकि एक कंपोनेंट को दूसरे से अलग रख सकें ये लोग. लाइक एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, एक स्कूल्स के एग्जाम के लिए, ठीक है. एंड इनको ब्रांड अब नेम है, ठीक है. जैसे अन अकेडमी, तो इन्होंने सोच के रखा ना, लाइक अकेडमी इज वॉट, आप समझते हो अकेडमी क्या होता है, ऑफकोर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टाइप. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, अन अकेडमी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट. तभी तो आगे अन लगा दिया. एंड ये हर चीज में अन लगाते हैं आगे, अगर आप इनका पेज फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखोगे उसमें, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, मतलब वो आपको घर बैठे बैठे वो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर रहे. तो उन्होंने क्या है, सिर्फ नाम ऐसे ही नहीं रख दिया, इसके पीछे प्रॉपर उनकी एक सोच थी, ठीक है. ताकि नाम ऐसा होना चाहिए कि जो वो आपके प्रोडक्ट की जो मेन की थीम है ना, वो उसको लाइक डिपिक्ट करे, ठीक है, ओके. एंड लोग इजली नोटिस कर सके उसको, ट्रिगर हो, मतलब लोगों की मेमोरी में जो है ट्रिगर हो सके. जैसे अन अकेडमी खुद में ऐसा नाम है ऑफकोर्स, जो आपको कहीं ना कहीं मेमोरी में याद ही रहेगा, आप भूल नहीं सकते इसको, ठीक है. एंड सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज, अगर ये कंपनी का नाम ब्रांड नेम हो तो नहीं याद करना इसको, इतना ईजी नहीं होता, ठीक है. देन ऑफकोर्स जब ब्रांड नेम हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते, तब हमारा एक ब्रांड नेम फाइनल होता है. लाइक यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइक एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, प्लेसेस के बेसिस पे आप नाम रख सकते हो, किसी एनिमल या बर्ड के बेसिस पे, लाइक डव सोप, प्यूमा. लोगों के नाम के ऊपर आप रख सकते हैं, लुई फिलिप, एलन सोली, ठीक है. देन कंपनी के नाम पे भी आप ब्रांड का नाम रख सकते हो, लाइक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भी नाम है, ब्रांड का भी नाम है. एलजी कंपनी का भी नाम है, ब्रांड का भी नाम. इन्होंने ब्रांड नेम के लिए कुछ अलग नहीं सोचा, वही के वही रख दिया, ठीक है, सिंपल. नाउ एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. ये तो क्या है, अ गुड ब्रांड नेम शुड हैव मतलब फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि क्या है, एक तो वो यूनिक होना चाहिए एंड अलग होना चाहिए, ठीक है, लाइक कोडक, ओके. देन एक्सटेंडेबल होना चाहिए. मान लो उसी ब्रांड नेम में आपको कुछ और भी एड ऑन करना है तो आप ईजिली कर सको, ठीक है. देन चेंज करना पड़ा, जैसे कि मूवी नेम में बहुत चेंजेस होते हैं, खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं, ओके. देन प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लोग ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर सके, याद रख सके, लाइक टाइड वॉशिंग पाउडर, ओके. देन ऐसा नाम होना चाहिए कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताए, उसकी क्वालिटी, उसके बेनिफिट्स के बारे में, लाइक स्विफ्ट, क्विक फिक्स, लिबगार्ड, ओके. नाम बता रहे ना, क्विक फिक्स लाइक फेविक्विक टाइप, तुरंत सबको फिक्स कर दे. लिबगार्ड इज फॉर लाइक लिप बाम टाइप, ठीक है. एंड ऐसा होना चाहिए कि उसको आप इजिली फॉरेन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सको, ठीक है. मान लो कोई अगर बाहर का आ जाता है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम के बारे में पूछे कि अरे इसका क्या मतलब है, आप उसको इजिली कन्वर्ट कर सको, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को ना समझा पाओ, ओके. देन लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रॉपर. देन आपका जो है प्रोडक्ट, वो सर्विस कैटेगरी जो है वो स्पेसिफाई कर, लाइक न्यूज वीक, न्यूज पेपर, ठीक है. क्वालिटी जो है वो डिफाइन करना चाहिए, लाइक फायरबर्ड. देन इसमें कोई रॉन्ग वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब आपको जो मतलब है चीज़ों का वो ध्यान से देखना है. जैसे कि अगर आप कार जो है नोवा नाम की सोल मतलब स्पैनिश कंट्री में सेल करते हो, तो ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नोवा का मतलब होता है डजेंट गो, ठीक है. तो नोवा नाम से आप कार का ब्रांड नेम आप नहीं रख सकते स्पैनिश कंट्रीज में, क्योंकि इसका मीनिंग ही जस्ट ऑपोजिट है उसके काम से, डजेंट को, ठीक है. नाउ ब्रांड एट्रीब्यूट्स, ब्रांड एट्रीब्यूट्स, यू नो व्हाट डज इट मीन बाय एट्रीब्यूट्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है. तो एक ब्रांड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, चलो हम लोग ये देख लेते हैं. लाइक
रेलेवेंसी. एक अच्छा ब्रांड जो है वो हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब वो जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है ना उसको हमेशा फुलफिल करना चाहिए. ठीक है, तो आप आपका जैसा कस्टमर चाह रहा है वैसे ब्रांड को जो है कस्टमर को प्रेजेंट करो, वो वैसा परफॉर्मेंस दे. ओके, देन कंसिस्टेंसी. अब हर बार आप जो क्वालिटी है, ये नहीं कि एक बार आपने अच्छी क्वालिटी दे दी एक बार एवरेज ही रहेगी, नहीं, आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके चलनी है. ठीक है, ओके. कंसिस्टेंसी इज वेयर द कंपनी कम्युनिकेट्स मैसेज इन अ वे दैट डज नॉट डेवियर फ्रॉम द कोर ब्रांड प्रपोजिशन. देन प्रॉपर पोजिशनिंग क्या है, एक स्ट्रांग ब्रांड नेम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपका जो मतलब जो टारगेट ऑडियंस है उसको दिमाग में रखे. ठीक है, प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए कि हम अपना जो ब्रांड है वो किसको बेचने वाले. ठीक है, देन सस्टेनेबल होना चाहिए, दैट इज ऐसा होना चाहिए ब्रांड आपका कि आप लंबे समय तक जो है कंपटीशन में मार्केट में बने रहो. ठीक है, अ सस्टेनेबल ब्रांड ड्राइव्स एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स इनोवेशन एंड सक्सेस लाइक मार्क्स एंड स्पेंसर. एक सस्टेनेबल ब्रांड, देन क्रेडिबिलिटी क्या है, आप जो प्रॉमिस कर रहे हो आप अपने कस्टमर्स को वही प्रोवाइड करो. ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने कर तो दी बड़ी बड़ी बातें और जब रियल स्टेट में हमने देखा तो आप उसमें से आधी भी फुलफिल नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो आपको अपने प्रॉमिसेस डिलीवर करने में कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए. ओके, देन इंस्पिरेशनल क्या है, एक एक अच्छा ब्रांड नेम वही होता है जो आपकी जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी है, जिसमें भी आप मतलब जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी का आपका ब्रांड है उसमें आप एकदम बाकी ब्रांड्स को भी इंस्पायर करते हो एज अ इंस्पिरेशन हो कि हाँ ठीक है, जैसे जर्सी पोलो टी शर्ट है हो तो वो नाइकी जैसी हो, ठीक है, वरना ना हो. ओके, सो एक इंस्पिरेशनल जो है इंस्पिरेशन इंस्पायर करना आपको उस कैटेगरी को पर्टिकुलर. देन यूनिकनेस, ऑफकोर्स आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से जो है अलग होना चाहिए. ठीक है, देन अपीलिंग, ऑफकोर्स एक ब्रांड है वो जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देन ब्रांड पोजिशनिंग डेफिनेशन एंड कंसेप्ट. ब्रांड पोजिशनिंग क्या होता है चलो देखते हैं. तो ब्रांड पोजिशनिंग रिफर्स टू टारगेट कंज्यूमर्स रीजन टू बाय योर ब्रांड एंड प्रेफरेंस टू अदर, कि मतलब आपको ब्रांड की पोजिशनिंग मतलब लोगों के दिमाग में आपको अपने ब्रांड के बारे में जो है कैसी इमेज जो है बैठानी है. ठीक है, जो आपका टारगेट कस्टमर है, जो आपका टारगेट कंज्यूमर है, उसके पास ऐसा क्या रीजन होना चाहिए कि वो आपके ब्रांड को प्रेफर करे एज कम्पेयर टू अदर्स, वो आपके ब्रांड को क्यों खरीदे. तो आपको प्रॉपर अपने कस्टमर्स के दिमाग में अपने ब्रांड के बारे में ऐसी जो है इमेज बैठानी है. ठीक है, सो जितनी भी ब्रांड एक्टिविटी होती है हर किसी का एक कॉमन एम होता है. ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कोर्स डिलीवर करना एंड उनको कस्टमर्स को रीजन देना कि वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों खरीदे. ठीक है, कि खरीदे एंड इट फोकसेस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर. नाउ ब्रांड पोजिशनिंग मस्ट मेक श्योर दैट, अब ब्रांड पोजिशनिंग को क्या श्योर करना है कि इज इट यूनिक डिस्टिंक्टिव वर्सेस कॉम्पिटिटर्स, देन इज इट सिग्निफिकेंट एंड इंकरेजिंग टू द नीश मार्केट, देन इज इट अप्रोप्रिएट टू ऑल मेजर जोग्राफिक मार्केट्स एंड बिजनेसेस, देन इज द प्रपोजिशन वैलिडेटेड विद यूनिक अप्रोप्रिएट एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, देन इज इट सस्टेनेबल, इट कैन इट बी डिलीवर्ड कॉन्स्टेंटली अक्रॉस ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट विद द कंज्यूमर, देन इज इट हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स फाइनेंशियल गोल, एंड इज इट एबल टू सपोर्ट एंड बूस्ट अप द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के जो है आंसर आपके ब्रांड में होने चाहिए. ठीक है, ना कई सारी पोजिशनिंग एरर्स हो जाते हैं, जो आपको अपनी इमेज अपनी ब्रांड की इमेज जो है कस्टमर्स के दिमाग में बिठानी है तो उसमें कुछ एरर्स हो जाते हैं. कई बार कुछ ज्यादा ही अजीब सी कुछ ज्यादा ही ओवर आप कर देते हो इमेज बिठाने के चक्कर में, कई बार कम हो जाता है. ठीक है, चलो वही देखते हैं. तीन टाइप के एरर होते हैं. इसमें है अंडर पोजिशनिंग, ओवर पोजिशनिंग, सॉरी फोर कंफ्यूज पोजिशनिंग एंड डबल पोजिशनिंग. अंडर पोजिशनिंग क्या है, यहाँ पे क्या होता है कस्टमर्स को बिल्कुल
क्लियर नहीं होता, लाइक वो अनक्लियर होती, एक ब्लर्ड आइडिया होता है ब्रांड का, ठीक है. तो दिस इज अंडर पोजिशनिंग. देन ओवर पोजिशनिंग क्या होता है, लाइक बहुत ही लाइक लिमिटेड जो है ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होती है कस्टमर्स को. ओके, देन कंफ्यूज्ड पोजिशनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो है कस्टमर्स जो है उनका एक कंफ्यूज्ड ओपिनियन होता है ब्रांड के रिगार्डिंग. एंड डबल पोजिशनिंग क्या होता है, दिस इज अ सिनेरियो इन विच कस्टमर्स डू नॉट एक्सेप्ट द क्लेम्स ऑफ अ ब्रांड. ठीक है, तो ये ऐसा सिनेरियो ऑफ कोर्स यहाँ पे कस्टमर जो है ब्रांड के क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, कि मतलब वो जो बोल रहे हैं वो सही होगा भी या नहीं होगा. ठीक है, तो ये पोजिशनिंग एरर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. अंडर पोजिशनिंग, ओवर पोजिशनिंग, कंफ्यूज पोजिशनिंग एंड डबल पोजिशनिंग. ओके, नाउ ब्रांड आइडेंटिटी क्या है. लाइक डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, स्टेम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज An organization is responsible for creating a distinguished product with unique characteristics. ठीक है, तो brand identity क्या है, यहाँ पे organization जो है वो responsible है एक like एक unique characteristics जो है वो establish करने में. It is how an organization seeks to identify itself. Okay, brand identity मतलब brand जो है, जो organization है वो अपने brand के बारे में क्या सोच रहा है. ठीक है, कि उसकी मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसकी क्या आइडेंटिटी है. इट रिप्रेजेंट्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी परसीव्ड इन द मार्केट. मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद की कैसी इमेज बनाना चाहता है मार्केट में, वो क्या मतलब वो क्या चाहता है कि मार्केट में लोग उसको किस नजरिए से देखें. ठीक है, उसकी कैसी आइडेंटिटी हो. सो एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स इट्स आइडेंटिटी टू द कंज्यूमर थ्रू इट्स ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. अ ब्रांड इज यूनिक ड्यू टू इट्स आइडेंटिटी. ब्रांड आइडेंटिटी इंक्लूड्स लाइक सम एलिमेंट्स, क्या है वो, लाइक ब्रांड विजन, ब्रांड कल्चर, पोजिशनिंग, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप एंड प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो ब्रांड आइडेंटिटी में लाइक ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ब्रांड विजन, ब्रांड कल्चर, पोजिशनिंग, पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप्स एंड प्रेजेंटेशन. ओके, सोर्सेज ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी. ब्रांड आइडेंटिटी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, मतलब ब्रांड आइडेंटिटी जो आप अपने कस्टमर्स के दिमाग में डेवलप कर रहे हो उसके लाइक मतलब में क्या क्या सोर्सेज होते हैं, चलो देखते हैं. एक सिंबल्स हो गया. ठीक है, सिंबल्स से क्या होते हैं, सिंबल्स लाइक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सिंबल आप समझती हो क्या होता है. ऑफकोर्स कस्टमर्स क्या करता है, इससे ईजिली जो है आपकी ब्रांड जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको मेमोराइज कर सकता है. राइट, कि अगर आपने कुछ सिंबल जो है वो अपने ब्रांड के साथ रिलेट कराओ तो वो इजिली जो है आपके ब्रांड के साथ खुद को कोरिलेट कर पाते हैं, जो आपके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उनको कोरिलेट कर पाते हैं. ओके, लाइक सिंबल्स क्या है, लाइक मैकडोनल्ड्स में आपने रोनाल्ड देखा होगा, लाइक आपने एक आदमी की फोटो देखी होगी, फेडेक्स में एरो देखा है. ठीक है, ड्यूरासेल में आपने बनी रैबिट देखा है एड में. ठीक है, मालबोरो में आपने, मालबोरो क्या होता है, दैट्स फेमस काउ बॉय. ठीक है, सो नाइकी में सॉश होता है. ठीक है, तो देख लिया ये सब क्या है. देन ये तो सिंबल्स हो गए. लोगोस क्या है, लोगो ऑफकोर्स ये एक यूनिक ग्राफिक है, या फिर आप सिंबल भी बोल सकते हैं. लोगो सिंबल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक ही चीज होती है. ठीक है, सो इससे क्या होता है, ऑफकोर्स ये भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लाइक रिप्रेजेंट करता है, एंड ताकि कस्टमर जो है वो आपके लाइक प्रोडक्ट के साथ ईजिली रिलेट कर सके. लाइक एडिडास में आपने देखा है 3 स्ट्रिप्स होती है. राइट, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कैसी होती है, लेकिन 3 स्ट्रिप्स होती है जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये एडिडास है. ओके, देन ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या है, इस बार ना ये ट्रेडमार्क इन सबसे रिलेटेड एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मैं कराऊंगी PYQ तब मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क इज अ यूनिक सिंबल, डिजाइन और एनी फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट हेल्प्स पीपल रिकॉग्नाइज अ ब्रांड. ठीक है, एक रिनाउन ब्रांड का एक पॉपुलर ट्रेडमार्क भी होता है. ठीक है, जो क्या अश्योरेंस देता है कस्टमर्स को, उसके क्वालिटी प्रोडक्ट की. ओके लाइक आप देखो यहाँ पे ट्रेडमार्क अलग अलग टाइप के ट्रेडमार्क के कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं. लाइक TM क्या है, इट डिनोट्स अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, दैट इज अ मार्क यूज्ड टू प्रमोट अ ब्रांड गुड्स.
ओके देन एसएम क्या है, ये अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क को जो है डिनोट करता है, एंड आर क्या होता है, ये रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क को जो है डिनोट करता है, ठीक है, ओके क्लियर एवरीवन। ओके चलो आगे देखते हैं। नाउ ऑफ कोर्स आपको इन ट्रेडमार्क्स ऐसे ही नहीं मिलते, इनका रजिस्ट्रेशन जो है आपको कराना पड़ता है, ठीक है। देन ट्रेडमार्क आपने देखे भी होंगे प्रोडक्ट में। देन आता है हमारा ब्रांड इमेज। इसमें क्या है, ब्रांड इमेज इज द करेंट व्यू ऑफ द कस्टमर अबाउट अ ब्रांड। ओके तो जब कस्टमर लाइक आपको पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, मतलब कस्टमर क्या ब्रांड के, जैसे कि ब्रांड आइडेंटिटी क्या था कि जो कंपनी है वो अपने ब्रांड को कैसे मार्केट में रिप्रेजेंट करना चाहती है, एंड ब्रांड इमेजेस कि कस्टमर आपके ब्रांड को कैसे देख रहा है, ठीक है, उसका व्यू क्या है आपकी ब्रांड की तरफ। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक बंडल ऑफ एसोसिएशन विद इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स। इट सिग्निफाइज व्हाट द ब्रांड प्रेजेंटली स्टैंड्स फॉर। इट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स हेल्ड अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड, ठीक है। तो ये सर्टन बिलीव्स है जो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में जो है सोचते हो, ठीक है। इन शॉर्ट इट इज नथिंग बट द कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट। ओके तो यहाँ पे क्या है कि आपके लाइक प्रोडक्ट का क्या परसेप्शन, इट इज द मैनर इन विच अ स्पेसिफिक ब्रांड इज पोजिशनड इन द मार्केट। ब्रांड इमेज कन्वेज इमोशनल वैल्यू एंड नॉट जस्ट अ मेंटल इमेज। ओके कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या कैरेक्टर है आपके कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके ये तो ब्रांड इमेज हो गई। गाइस मेरा प्लस कोर्स है 4:30 बजे, ओके सो प्लीज बी देयर। एंड ये प्लस कोर्स इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, ठीक है। स्ट्रैटेजी वाली यूनिट चल रही है अभी उसमें सिलेबस में हमारे, लेकिन प्लीज़ प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। मैंने स्टार्टिंग में रेफरल कोड भी शेयर करा है, मैं एक बार फिर से रेफरल कोड बता देती हूँ ताकि आप लोग ले लो जाके, ठीक है। सौम्या मेरा नाम, SAUMYA SCAPTAIN देन सिंह, ओके FINGH देन -5273, जस्ट गो फॉर इट। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% क्रेडिट पॉइंट के थ्रू मिल जाएगा, तो काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ले लो अभी ले लो, इनफैक्ट फिर बाद में लेट होगा फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, राइट। बाद में इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाओगे फिर आप लोग। चलो ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड इमेज के बारे में बात करते हैं। लाइक ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप फ्रॉम द सोर्स और द कंपनी, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो आपकी ऑफकोर्स पर्टिकुलर सोर्स या कंपनी से डेवलप होती है। मैंने बताया था ना कंपनी क्या अपना आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करना चाहती है, एंड ब्रांड इमेज क्या है कि आपका कंज्यूमर जो है, जो रिसीवर है, वो कैसे परसीव कर रहा है आपके ब्रांड को। ओके देन नेक्स्ट इज ब्रांड मैसेज इज टाइड टूगेदर इन टर्म्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी। ओके एंड यहाँ पे क्या है, ब्रांड मैसेज इज अनटाइड बाय द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड इमेज। ओके देन द जनरल मीनिंग ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी इज हु यू रियली आर, ठीक है। तो ब्रांड आइडेंटिटी क्या बता रही, हु यू रियली आर, एंड ब्रांड इमेज क्या बता रही, हाउ मार्केट परसीव्स यू। ओके इट्स नेचर इज दैट, ब्रांड आइडेंटिटी का इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रैटेजिक, और इसका क्या है, इट्स नेचर इज दैट इट इज अपीयरेंस ओरिएंटेड और टैक्टिकल। ओके देन ब्रांड आइडेंटिटी सिंबलाइजेस फर्म्स रियालिटी, एंड ब्रांड इमेज सिंबलाइजेस परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर। देन ब्रांड आइडेंटिटी रिप्रेजेंट्स योर डिजायर, ओके एंड ब्रांड इमेज रिप्रेजेंट्स अदर व्यूज ऑफकोर्स। देन इट इज एंड्योरिंग, इट इज सुपरफिशियल, ओके एंड आइडेंटिटी इज लुकिंग अहेड एंड इमेज इज लुकिंग बैकवर्ड। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी आई होप के एंड मैनेजमेंट इमेज का फर्क आपको पता चल गया। आइडेंटिटी के लाइक अगर आप जैसे हम, मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम सौम्या है, सौम्या एक ब्रांड है। मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ कि लोग लाइक मैं सोसाइटी के सामने ऐसे बिहेव करूँ कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचे, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी जो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। ब्रांड इमेज क्या है कि एक्चुअल में आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ और भी हैं, लाइक ब्रांड ऑफ कोर्स, एक मिनट, यहाँ पे आइडेंटिटी है और यहाँ पे इमेज है. ओके ना, यहाँ पे क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी में आइडेंटिटी इज एक्टिव एंड इमेज इज पैसिव, देन इट सिग्निफाइज वेयर यू वॉन्ट टू बी एंड इट सिग्निफाइज वॉट यू हैव गॉट एंड इट इज टोटल प्रॉमिस दैट अ कंपनी मेक्स टू कंज्यूमर एंड इट इज टोटल कंज्यूमर्स परसेप्शन अबाउट द ब्रांड. ओके, तो ये आइडेंटिटी एंड इमेज है हमारी. इज इट क्लियर एवरी वन? आई होप कि अभी तक जितना भी मैंने बताया वो सब क्लियर होगा, राइट? ओके, नाउ ब्रांड पर्सनैलिटी. अब इसमें क्या है, चलो देखते हैं ब्रांड पर्सनैलिटी क्या है. ये सब आप इजिली समझ सकते हो, लेकिन आप एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है? सो मैं यही बोलूंगी कि जब हमारा एग्जाम हो तो लास्ट मोमेंट में इसका रिविजन करके जरूर जाओ, क्योंकि फॉर श्योर, क्योंकि टर्म्स आप देख रहे हो एक ही जैसे होते, कंफ्यूजन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है? सो आपको कंफ्यूजन जो है हर टाइप का अवॉइड करके चलना है. ओके ना, ब्रांड पर्सनालिटी क्या है? जैसे कि हमारी पर्सनालिटी होती इज अ वे अ ब्रांड स्पीक्स एंड बिहेव, कि वो कैसे स्पीक कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब पर्सोनिफिकेशन. ये वर्ड आपने पढ़ा है जब आप लिटरेचर पढ़ते थे, जैसे हम पोएम्स में नहीं होता था, एक ट्री को भी एज अ पर्सन जो है हम लोग इमेजिन करते हैं, तो वो क्या, उसको क्या बोलते थे, उसको पर्सोनिफिकेशन ही तो बोलते थे. तो यहाँ पे भी ब्रांड को जो है एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो असाइन करी गई है, ठीक है, ताकि एक डिफरेंशिएशन जो है वो अचीव करा जा सके. ओके, सो लाइक ये जो ब्रांड पर्सनालिटी है वो हम दोनों तरीके से अचीव कर सकते हैं. लाइक आपका ब्रांड बिहेव, मतलब दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सिग्निफाई ब्रांड बिहेवियर थ्रू बोथ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड एज वेल एज थ्रू एडवर्टाइजिंग पैकेजिंग एटसेट्रा, ठीक है? कि आप अपना ब्रांड लाइक रिप्रेजेंट करो एंड एडवर्टाइजिंग उसकी करो, पैकेजिंग करो, इससे क्या आपकी ब्रांड पर्सनालिटी जो है वो अच्छे से मतलब डेवलप होती है, ठीक है? व्हेन ब्रांड इमेज और ब्रांड आइडेंटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रेट, इट इज कॉल्ड ब्रांड पर्सनैलिटी, ठीक है? तो जब हम ब्रांड इमेज या आइडेंटिटी उसकी एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम ब्रांड पर्सनैलिटी बोल रहे हैं. ओके, लाइक एलन सोली क्या है? एलन सोली ब्रांड जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में ही बोलती है, ठीक है? कि मतलब जैसे जो लोग एलन सोली का प्रोडक्ट पहनते हैं तो वो क्राउड से अलग ही दिखते हैं, ठीक है? इट स्पीक्स. ओके, देन इन्फोसिस जैसे है, हर कोई चाहता है ना इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों में काम करे, क्यों? क्योंकि वो यूनिक है, वहाँ पे वैल्यू है, इंटेलेक्चुअलिज्म है, राइट? इन्फोसिस में कहते नहीं मानते हम लोग, जब भी किसी भी आसपास बच्चे का प्लेसमेंट होता है उसका इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गया, तो मतलब हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट होगा तभी वहाँ पे उसने ले लिया, ठीक है? देन ब्रांड पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, बट पर्सोनिफिकेशन, मैंने अभी ये वर्ड बोला था, न्यू वर्ड आ भी गया ऑफ ब्रांड. लाइक जैसे कि आप कभी ब्रांड से जो है किसी ह्यूमन बींग को रिलेट करते हो, जैसे शाहरुख खान है ना, लाइक लक्स में होता है, जॉन अब्राहम कैस्ट्रल कैस्ट्रॉल थे, ठीक है? देन डव से जैसे है हम ऑनेस्टी, फेमिनिस्ट, ऑप्टिमिस्ट जो है रिलेट करते हैं, ठीक है? देन हेवलेट पकार्ट से क्या होता है, अकम्प्लिशमेंट, कॉम्पिटेंसी, इन्फ्लुएंस, मतलब आपके नाम जो है वो आपका कुछ ना कुछ पर्सनालिटी जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? तो ब्रांड पर्सनालिटी एंड ब्रांड इमेज अलग है, ठीक है? ओके, ब्रांड इमेज में क्या होता है, हम लोग सिर्फ टैंजिबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना उनको कंसिडर करते हैं, लेकिन ब्रांड पर्सनालिटी में क्या होता है, हम लोग एक इमोशनल एसोसिएशन जो है वो ब्रांड के साथ डेवलप करते हैं. इज इट क्लियर? प्लीज राइट इट डाउन, ये की वर्ड है हमारे, ठीक है? ब्रांड पर्सनालिटी ओनली लाइक नहीं, ब्रांड इमेजेस लाइक डील्स विद ओनली टैंजिबल के बेनिफिट्स एंड पर्सनालिटी के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है. राइट इट डाउन. ओके, देन व्हाट इज ब्रांड अवेयरनेस? अब ये ब्रांड अवेयरनेस क्या है, चलो देखते हैं ब्रांड अवेयरनेस क्या है. ब्रांड अवेयरनेस इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंज्यूमर्स आर फेमिलियर अबाउट, मतलब लोग जो हैं वो आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में कितना जानते हैं एंड किस डिग्री तक आपका कंज्यूमर जो है वो आपके ब्रांड के साथ खुद को एसोसिएट कर पा रहा है, ठीक है? सो इट इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ नीश मार्केट दैट हैज फॉर्मर नॉलेज ऑफ ब्रांड. लाइक ब्रांड अवेयरनेस में दोनों ही चीजें आती हैं, आपका ब्रांड रिकॉग्निशन भी आता है, ब्रांड रिकॉल भी आता है. ओके, राइट इट डाउन,
ब्रांड अवेयरनेस में दो चीज़ें होती हैं, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ब्रांड रिकॉल। ओके, नाउ ब्रांड रिकॉग्निशन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू रिकॉग्नाइज प्रायर नॉलेज ऑफ ब्रांड व्हेन दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द ब्रांड और व्हेन दे आर शोन दैट स्पेसिफिक ब्रांड। ठीक है, ब्रांड रिकॉग्निशन, जैसे ही हम लोग ने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा होगा ब्रांड के बारे में, तो उनको कितनी नॉलेज है आपके ब्रांड के बारे में, वो आपके ब्रांड को कितना रिकॉग्नाइज करते, कितना पहचानते। ठीक है, एंड ब्रांड रिकॉल क्या है? इज द पोटेंशियल ऑफ कंज्यूमर टू रिकवर अ ब्रांड फ्रॉम हिज मेमोरी व्हेन गिवन द प्रोडक्ट क्लास कैटेगरी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे वॉशिंग पाउडर्स के नाम बताना, सबसे पहले नाम शायद सबका सर्फ एक्सेल रिन इन्हीं का नाम आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये ब्रांड रिकॉल होता है। मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर रही हूँ, वॉशिंग पाउडर की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहला नाम जो है वो आपके दिमाग में ये दो तीन नाम आते हैं, राइट? तो ये ब्रांड रिकॉल होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी की नाम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके ब्रांड का नाम कब आ रहा है कस्टमर्स के दिमाग में। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? अब एवरीवन, सबको क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ब्रांड अवेयरनेस इज इम्प्रूव टू द एक्सटेंट टू विच ब्रांड नेम्स आर सेलेक्टेड दैट इज सिंपल एंड ईजी टू प्रोनाउंस, ऑफ कोर्स। ओके, लाइक कोको कोला जो है उसको कोको कोला, कोक, उसका नाम कोक रख दिया। ठीक है, ना कि ईजी रहे, कोका कोला पियोगे, कोका कोला सोचा कोक। ठीक है, छोटा सा नाम है। तो दो टाइप के ब्रांड अवेयरनेस होते हैं, एक एडेड अवेयरनेस है, एक टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस है। एडेड अवेयरनेस क्या है? दिस मीन्स दैट ऑन मेंशनिंग द प्रोडक्ट कैटेगरी द कस्टमर्स रिकोगनाइज योर ब्रांड फ्रॉम द लिस्ट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स शोन। ठीक है, ये एडेड अवेयरनेस है कि जब आपके पास पर्टिकुलर कैटेगरी दी गई है, तो कस्टमर्स आपके ब्रांड को रिकोगनाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस इसमें क्या है? दिस मीन्स दैट ऑन मेंशनिंग द प्रोडक्ट कैटेगरी द फर्स्ट ब्रांड दैट कस्टमर रिकॉल फ्रॉम हिज माइंड इज योर ब्रांड। ठीक है, जैसे मैंने भी वॉशिंग पाउडर बोला, मान लो सर्फ एक्सेल आपके दिमाग में आया, तो ये टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में जो है सर्फ एक्सेल आया। क्लियर? आई होप कि क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। देन है ब्रांड लॉयल्टी, समझ गए होंगे है ना इसका मतलब क्या होता है? ब्रांड लॉयल्टी इज अ सिनेरियो विद अ कंज्यूमर फियर्स परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन अनदर ब्रांड विच ही डज नॉट ट्रस्ट। मतलब कि जब आपको ब्रांड कोई अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है हर बार, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे वो उसकी सर्विस को लेके हो, हर बार वो अपना बेस्ट दे रहा है, तो एक लॉयल्टी जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है ना उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, एक ट्रस्ट लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है ना? तो ये होती है ब्रांड लॉयल्टी। फिर आप क्या करते हैं, लाइक बार बार वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है खरीदते हो। ठीक है, एंड आप डरते हो अपना जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उसको शिफ्ट करने से, क्योंकि क्या पता सामने वाला मेरा जो पर्टिकुलर मतलब सेटिस्फैक्शन जो है वो दे पाए या ना दे पाए, राइट? तो इससे क्या होता है, जब आप ब्रांड लॉयल्टी जो है वो डेवलप कर लेते हो, आपकी तरफ कई सारे लॉयल कस्टमर्स हो जाते हैं ना, तो आपकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है। ठीक है, मुझे पसंद है, मैं बहुत लॉयल हूँ किसी पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, मैं उसके रिगार्डिंग किसी ना किसी को सजेस्ट करूंगी ही करूंगी, तो दिस इज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। देन रिपीटेटिव बाइंग, मैं ऑफ कोर्स खुद भी बार बार खरीदूंगी, एक प्राइस सेंसिटिविटी भी हो जाती है, कमिटमेंट होता है ब्रांड की तरफ, ट्रस्ट होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, सो ब्रांड लॉयल्टी क्या है? ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है? ऑफ कोर्स कि कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली जब प्रोडक्ट खरीदता है, दैट इज नोन एज लाइक ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो ऑफ कोर्स ब्रांड लाइक कस्टमर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ लॉयल रहे, तो आपको चीज़ें भी मेंटेन करनी होगी, राइट? आपको क्वालिटी प्रोडक्ट करेक्ट प्राइस में बेचना होगा, चीपर रेट में एंड सुपीरियर क्वालिटी, ताकि वो आपके ब्रांड में स्टिक रहे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्या है? लाइक ब्रांड लॉयल कंज्यूमर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज। ऑफ कोर्स लॉयल कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रांड के लिए गाइस। अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट एक बार खरीदा और वो आपके कस्टमर आपका लाइक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो आपका प्रोडक्ट दोबारा खरीदेगा? वो कभी नहीं खरीदेगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है? तब आपने तो अपना एक कस्टमर खो दिया ना,
फिर आप नया कस्टमर आएगा, फिर वो खरीदेगा, वो डिससैटिस्फाइड होगा, वो भी भाग जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है, हमें अच्छे से अपने ब्रांड में लॉयल कस्टमर्स, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करके जो है जनरेट करनी, क्योंकि जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं हमारे बंधे हुए, उनको रिटेन करना ज़्यादा में कम खर्चा आता है एज कम्पेयर टू नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, सो ये बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन ब्रांड लॉयल्टी कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिवली पॉसिबिलिटी ऑफ कस्टमर शिफ्टिंग टू अनदर ब्रांड इन केस देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्ट फीचर प्राइस और क्वालिटी। ठीक है, तो ब्रांड लॉयल्टी ऑफ कोर्स इंक्रीज आपको करनी है, एंड ये मूव ये मेक श्योर करना है कि वो आपके कॉम्पिटिटर की तरफ मतलब कम से कम मूव करें। ठीक है, आपके लाइक प्रोडक्ट की तरफ एकदम कमिटेड रहें, एंड इवन आप इतनी ज़्यादा उनको सेटिस्फाइड कर दो कि वो ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार है आपको। ठीक है, ओके, एंड वो हमेशा आपका लाइक प्रोडक्ट जो है प्रमोट करेंगे। सो लॉयल कस्टमर से आपका सेल हमेशा ज़्यादा होगा, आपकी मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग में पैसा कम लगेगा, बेस्ट प्राइजिंग जो है वो आपके पास होगी। ठीक है, तो ब्रांड लॉयल्टी जो है वो ज़्यादातर आप पोस्ट परचेज जो है डेवलप मतलब इज ऑलवेज डेवलप पोस्ट परचेज। क्यों? क्योंकि लाइक ब्रांड लॉयल्टी के बारे में आपको कब पता चलता है? एक तो जब आपने ठीक है पूरा जब उसने खरीदा, वो पूरा स्टेप बढ़िया गया, ठीक है उसने खरीद लिया, अब क्या है, अब आप जो है अब वो पोस्ट परचेज ही तो पता चलेगा, एक बार उसने कंज्यूम किया, अब अगर वो आपकी दुकान में दोबारा आ गया वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो मतलब आपकी लॉयल्टी जो है वो बढ़िया है ब्रांड की तरफ, उसकी लॉयल्टी मतलब। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर एवरी वन? आई डोंट नो मैं क्या करूं क्योंकि मेरा दूसरा टॉपिक भी है, चलो देखते हैं। देन है हमारा ब्रांड एसोसिएशन। ठीक है, लाइक ब्रांड एसोसिएशन में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लक्स में फिल्म स्टार्स उन लोग ने एसोसिएट कर रखे हैं। ठीक है, नाइकी में सॉश, नोकिया का साउंड, उसकी रिंगटोन, मैं तो भूल भी गई नोकिया की क्या रिंगटोन होती है। देन ब्रिटानिया की वो टोन टिंग टिंग डिंग, राइट, पेप्सी का उसका ब्लू कलर। ठीक है, सो एसोसिएशन कोई ये रीजन्स नहीं है कि हम पर्टिकुलर ब्रांड को खरीद रहे, लेकिन क्या है ये आपके प्रोडक्ट को बाकियों के प्रोडक्ट से अलग बनाते हैं। ठीक है, हम कोई उनको कॉपी नहीं करता, रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, तो आपकी एक अपनी अलग एंटिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, लाइक हयात होटल है वो लग्जरी कंफर्ट के लिए है, BMW सोफिस्टिकेशन फन ड्राइविंग के लिए है, बिल गेट्स ये सब क्या है लाइक पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर है तो बिल गेट्स का नाम अपने आप आ जाता है, रिलायंस है तो धीरू भाई अंबानी का नाम अपने आप आ जाता है। तो ये सब ब्रांड एसोसिएशन है। ये पर्टिकुलर ब्रांड की बात हुई तो कौन सी चीज़ सबसे पहले एसोसिएटेड आपको नजर आती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ? ठीक है, ध्यान देना, रिलायंस होगा तो सबसे पहले आपको धीरू भाई अंबानी, अंबानी का ही किसी ना किसी, चाहे मुकेश हो आने लो, लेकिन आपको अंबानी का ही नाम याद आएगा, राइट? तो ये लाइक ब्रांड एसोसिएशंस होते हैं। ठीक है, कि लाइक एसोसिएशन मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही एकदम डीप सीटेड है आपके कस्टमर के माइंड में आपके ब्रांड के रिगार्डिंग। ठीक है, इज इट क्लियर एवरी वन? आई होप कि क्लियर है। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग अपना ये सेशन जो है उसको एंड करेंगे। ठीक है, नाउ आई होप कि ब्रांड का जितना पार्ट आज हम लोग ने करा है वो सब क्लियर होगा। गाइस, जस्ट गो फॉर प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन, बहुत ही बेनिफिशियल है, एंड आप देख रहे हो सामने मेरा रेफरल कोड दिया है, सो इस रेफरल कोड को भी यूज़ करना मत भूलना, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एग्जामिनेशन मतलब इससे आपको 10% का लाइक डिस्काउंट अवेल होता है, जो कि अच्छा खासा डिस्काउंट है, सो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, हाँ, सौम्या सिंह -5273 आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, बहुत है 10%। ओके, चलिए, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, एंड सो सॉरी फॉर द प्रॉब्लम दैट अकर्ड। ठीक है, चलो, गुड बाय।